बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेमोरी कैसे मैनेज की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट को मतलब अगर यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं, तो इसको हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम ईच अदर सो दैट दे डू नॉट इंटरफेस विद ईच अदर ऑपरेशंस। अब कहते हैं कि हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसेस को, कि हम एक उससे दो प्रोसेसेस को किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं कि उनका इंटरफेस जो है हम वो डिफरेंट करें। फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेस को एक रिसोर्स अगर एलोकेट कर रहा है, रिसोर्स को हैंडल कर रहा है, तो दूसरे प्रोसेस को दूसरा रिसोर्स जो है वो हैंडल करे। एट द सेम टाइम एक प्रोसेस को जस्ट वन प्रोसेस को वन रिसोर्स जो है वो डील करे। अगर एक दो प्रोसेसेस को एक ही रिसोर्स जो है वो डील करेगा तो वहाँ पे डेडलॉक भी आएगा, वहाँ पे इंटरेक्शन भी क्रिएट होगी और कोलाइजंस भी हो सकती है। टू प्लेस द प्रोग्राम इन मेमोरी सच दैट मेमोरी इज यूटिलाइज्ड टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट। जब भी आप प्रोग्राम को मेमोरी में रखते हैं तो मेमोरी जो है वो यूटिलाइज करे अपनी फुल स्ट्रेंथ, अपनी फुल कैपेसिटी, अपनी फुल स्ट्रेंथ जो है वो यूटिलाइज करे उस प्रोसेस के अंदर। जब तक अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज नहीं करेगा तो वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को प्रॉपर वे आउट में कंबाइन नहीं कर सकता, उसमें इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमारा जो प्रोग्राम है उसको जस्ट एक प्रोग्राम को एक रिसोर्स एलोकेट किया जाए, जो एक प्रोग्राम जस्ट सिंगल रिसोर्स एलोकेट करे, उसको प्रोसेस करे, उसको कंपाइल करे। ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस को एक से ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करें या एक दो प्रोसेसेस को एक ही रिसोर्स जो है वो वर्कआउट करना। तो जब कोई दो प्रोसेसेस को एक ही रिसोर्स जो है वो उसके ऊपर काम करेगा तो डेफिनेटली वो ना टाइम शेयर कर सकेगा, और उसके अलावा उसमें डेडलॉक्स की कंडीशंस होगी, प्रोसेसेस की क्लेन की कंडीशंस होगी। तो एक प्रोसेस को एक ही रिसोर्स एलोकेट किया जाए जो उसको कंपाइल करे। जब भी आप प्रोग्राम को मेमोरी में रखते हैं तो वो फुली स्ट्रेंथ जो है वो प्रोग्राम को दी जाए, उसको फुली जो है वो मतलब उसकी लोकेशन दी जाए, उसकी एक्सटेंशन दी जाए, उसको प्रोग्राम को फुल उसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन की जाए। इसके बाद नेक्स्ट है लॉजिकल वीएस फिजिकल एड्रेस। ठीक है, एंड लॉजिकल एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा एज यूज बाय प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन होती है उसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। फिजिकल एड्रेस इज द इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और डाटा इफ इट इज द एड्रेस ऑब्टेन्ड आफ्टर बाइंडिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेस हैज बीन डन। ये जो होता है एड्रेस बाइंड किया जाता है आफ्टर द लॉजिकल एड्रेस हैज बीन डन। जब भी आप लॉजिक्स डिफाइन कर देते हैं, लॉजिक्स डिफाइन करने के बाद उसको फिजिकली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, फिजिकली मेमोरी के अंदर जो चीज़ पड़ी होती है उसका एड्रेस वो डिफाइन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्रोग्राम कंपाइल किया, आप कंपाइल करने के बाद उसको सेव कर रहे हैं, तो सेव करने के बाद जो लोकेशन उसकी होगी हम उसको क्या कहेंगे, फिजिकल एड्रेस को फिजिकल तौर पर हमने उस प्रोग्राम के अंदर रखा हुआ है, उस प्रोग्राम के अंदर कंपाइल किया हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम रिलोकेशन। यहाँ पे सीपीयू सबसे पहले दिया हुआ है। क्या चीज दी हुई है? सीपीयू। सबसे पहले सीपीयू है, सीपीयू के बाद उसने क्या चीज डिफाइन की हुई है? लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस के बाद उसने क्या चीज डिफाइन की हुई है? 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले प्रोग्राम सीपीयू लॉजिकल एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग उसने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जस्ट लाइक ये सीपीयू प्रोग्राम डिफाइन किया हुआ है, ये लॉजिकल एड्रेस डिफाइन किया हुआ है, ये लॉजिकल एड्रेस डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और ये इसके बाद ये लोकेशन रजिस्टर डिफाइन किया हुआ है, लोकेशन रजिस्टर 14000 डिफाइन किया हुआ है, ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस डिफाइन किया हुआ है। ये इसका फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस के बाद 14346 ये इसका एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस, उसके बाद ये इसकी मेमोरी डिफाइन की हुई है, इसकी मेमोरी डिफाइन की हुई है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है सीपीयू के अंदर, किस तरीके से आप इसको रिलोकेट करते हैं। एमएमयू यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसिंग हो रही है, सारी सारी रिलोकेशन हो रही है। रिलोकेशन के बाद लॉजिकल एड्रेस कन्वर्ट हो रहा है फिजिकल एड्रेस में, फिजिकल एड्रेस के बाद ये मेमोरी में जा रहा है, उसकी सारी की सारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है, कंपाइलेशन हो रही है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं रिलोकेशन इन रजिस्टर। रिलोकेशन रजिस्टर इज अ स्पेशल रजिस्टर। रिलोकेशन रजिस्टर जो है वो स्पेशल रजिस्टर है इन द सीपीयू कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, यूज फॉर द प्रोग्राम रिलोकेशन, क्योंकि प्रोग्राम रिलोकेशन के लिए यूज किया जाता है। मींस
मैपिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस यूज्ड बाय द प्रोग्राम टू फिजिकल एड्रेसेस ऑफ द सिस्टम मेन मेमोरी, कि मेमोरी के अंदर फिजिकल एड्रेसेस लॉजिकल एड्रेसेस को आप जो है वो मेन मेमोरी के अंदर डिलीट करते हैं, कंपाइल करते हैं। लॉजिकल रिलोकेशन मतलब रिलोकेशन का मतलब होता है कि आप रजिस्टर्स को सीपीयू के अंदर रिलोकेट कर रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो, उसके अंदर एडजस्ट कर रहे हो, उसको फिजिकल एक एड्रेस दे रहे हो और मेन मेमोरी के अंदर उसको कंपाइल कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप ब्राउजर्स के अंदर भी गूगल के अंदर ओपेरा के अंदर किसी भी ब्राउजर के अंदर कोई सर्चिंग करते हैं तो सर्चिंग करने के साथ साथ उसकी एक एड्रेस मेंटेन हो रहा होती है, उसकी रिलोकेशन मेंटेन हो रही होती है, रिलोकेशन के अकॉर्डिंग ही उसका फिजिकल एड्रेस मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस चीज़ को सर्च करते हो तो रिलोकेशन के अकॉर्डिंग उसका फिजिकल एड्रेस जो है वहाँ से आप डाटा फेच करके ले आते हो। आपने सम टाइम देखा होगा कि जब भी आप सिस्टम में फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को सर्च करते हो तो वो ज़्यादा टाइम लेती है, उसी चीज़ को जब आप दोबारा सर्च करते हो तो वो रिलोकेशन मेन मेमोरी के अंदर से रजिस्टर फाइलों को लेके आती है, तो उसमें सर्चिंग के अंदर कंपाइल टाइम जो है वो आपका कम हो जाता है और जो जिस चीज़ को आप सर्च कर रहे हो गूगल के ऊपर इंटरनेट के ऊपर वो जल्दी कंपाइल होकर सॉर्ट आउट होकर आ जाती है। तो इसका यही फायदा है कि रजिस्टर जब किसी सिस्टम के अंदर बन जाते हैं, मेन मेमोरी में रजिस्टर बन जाते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम कंपाइलेशन के अंदर आपकी हेल्प आउट करते हैं, उसको फास्टली रिलोकेट करते हैं, फास्टली उसको रिट्राइव करने में हेल्प आउट करते हैं। इज इट क्लियर? स्टोरेज एलोकेशन एंड मेमोरी एंड मैनेजमेंट टेक्निक। द स्टोरेज एलोकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कंटिग्यूस स्टोरेज एलोकेशन और नॉन कंटिग्यूस स्टोरेज एलोकेशन। अब स्टोरेज एलोकेशन को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक टाइप है कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन और दूसरी टाइप है नॉन कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन। कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन क्या कर रही होती है और नॉन कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन क्या कर रही होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन, कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन इंप्लाइज दैट अ प्रोग्राम्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर श्योर टू ऑक्यूपाई अ सिंगल कंटिजियस मेमोरी एरिया। ये प्रोग्राम और ये जो इंस्ट्रक्शन है are assured to occupy a single contiguous storage area, कि वो single contiguous storage area को implement कर रहे हो, drive कर रहे हो। contiguous storage allocation के अंदर जो programs होते हैं और instructions होते हैं उनको एक single contiguous storage area allocation मतलब provide किया जाता है। It is further subdivided into fixed partition storage allocation strategy and variable partition storage allocation strategy. ये fixed partition storage allocation memory में भी divide किया जा सकता है, इसको वेरिएबल पार्टीशन स्टोरेज एलोकेशन में भी इसको जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। तो कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन की दो टाइप्स हमने डिफाइन की हुई है, उन दो टाइप्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ है, फिक्स पार्टीशनिंग, ठीक है, स्टोरेज एलोकेशन पार्टीशनिंग, और उसके बाद वेरिएबल स्टोरेज एलोकेशन पार्टीशनिंग। वेरिएबल स्टोरेज एलोकेशन पार्टीशनिंग और फिक्स पार्टीशनिंग कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन की एक दो टाइप्स हैं, और कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन के अंदर एक प्रॉपर लेआउट के अकॉर्डिंग, प्रॉपर मेथड्स के अकॉर्डिंग मेमोरी को एक स्पेस एलोकेट की जाती है जो फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। इज इट क्लियर? फिक्स स्टोरेज पार्टीशनिंग स्टोरेज एलोकेशन, फिक्स पार्टीशनिंग कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन क्या चीज होती है, इसको डिस्कस करते हैं। अब फिक्स के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि कोई चीज जो है वो फिक्स है, जितना उसको एलोकेशन दी गई है उसे फिक्स रहना है। प्रोसेसिंग दिस स्मॉल एड्रेस स्पेस यूज स्मॉल पार्टीशनिंग एंड प्रोसेसिंग दिस लार्ज address space use large partitioning, this is known as fixed partitioning contiguous storage allocation. वो कहते हैं कि जो processes small होते हैं उनको fixed small allocation दी जाती है उनके size के according, और processes जो large होते हैं उनको large allocation space दी जाती है उनके size के according, this is known as fixed partitioning contiguous storage allocation. तो इसको कहते हैं fixed partitioning storage allocation. Small sizes process को small स्पेस प्रोवाइड की जाती है और लार्ज प्रोसेसिंग जो होते हैं उनको लार्ज स्पेस प्रोवाइड की जाती है उनकी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और दिस इज नोन एज फिक्स्ड पार्टीशनिंग कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन। ये हमारे पास सिस्टम पड़ा हुआ है, दे जॉब्स रन ओनली इन वन पार्टीशनिंग वन, दीज जॉब्स रन ओनली इन पार्टीशनिंग टू, दीज जॉब्स रन ओनली इन पार्टीशनिंग थ्री, जॉब क्यू फॉर पार्टीशनिंग वन, जॉब क्यू फॉर पार्टीशनिंग टू, जॉब क्यू फॉर पार्टीशनिंग थ्री, ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टीशनिंग वन, पार्टीशनिंग टू, पार्टीशनिंग थ्री। यहाँ पे सबसे पहले उसने बताइए ये फर्स्ट पार्टीशनिंग है, इसके बाद ये बताइए सेकंड पार्टीशनिंग है, इसके बाद ये बताइए ये थर्ड पार्टीशनिंग है, और ये क्या है जी, ये है जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जॉब क्यू इन फर्स्ट पार्टीशनिंग ये पोर्शन है, जॉब क्यू इन सेकंड पार्टीशनिंग ये पोर्शन है, जॉब क्यू इन थर्ड पार्टीशनिंग ये पोर्शन है,
जॉब्स के अकॉर्डिंग उसको पार्टीशन किया हुआ है, सिस्टम को पार्टीशनिंग में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट पार्टीशनिंग में क्या होगा, क्या जॉब डन होगी, सेकंड पार्टीशनिंग में क्या रहा है, कौन सी जॉब डन होगी, थर्ड पार्टीशनिंग में क्या होगा, कौन सी जॉब डन होगी, क्लियर? टू वेरिएबल पार्टीशनिंग, कंटीजियस स्टोरेज एलोकेशन। कंटीजियस स्टोरेज एलोकेशन आपको पता है कि जिसमें आपको फिक्स पार्टीशन दी जाती है। दिस नोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम पार्किंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द साइड ऑफ स्ट्रीट where the only who manages to enter will get the space. Two vehicles can leave a space between them that they cannot be used by any vehicle. This means that whenever a process needed memory as such for the space needed by it, it's done. If contiguous space is available to accommodate that process, then the process is loaded into memory. इससे मुराद यही चीज है एग्जाम्पल से कि वेरिएबल पार्टीशन स्टोरेज एलोकेशन से मुराद। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो उस लोकेशन के ऊपर कोई और गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल एक जगह है उसके ऊपर आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गाड़ी के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरेज जो है कैपेसिटी वो गाड़ी के अकॉर्डिंग ले गई कि गाड़ी कितना रकबा ले लिया, कितनी स्पेस ले लिया। इसी तरह अगर आप साइकिल खड़ी करते हैं तो साइकिल के अकॉर्डिंग उसी जगह पर साइकिल कितनी स्पेस ले रही है, बाइक खड़ी कर रही है बाइक कितनी स्पेस ले रही है, ठीक है। और जब आप उस गाड़ी को निकाल लेते हैं, उस बाइक को निकाल लेते हैं, साइकिल को निकाल लेते हैं, वहाँ पे फ्री स्पेस क्रिएट हो जाती है और अदर प्रोसेस उसकी एलोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल पार्टीशनिंग कंटीजियस स्टोरेज एलोकेशन, कि हर चीज़ को उसके साइज के अकॉर्डिंग हम स्पेस देते हैं और जब वो चीज एग्जिट हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो अदर प्रोसेस उसके अंदर इंटीग्रेट किया जा सकता है, उसकी स्पेस ले सकता है, ठीक हो गया। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, this phenomena of entering and leaving the memory can cause the information of unusable memory holes like the unused space between two vehicles. This is known as external fragmentation. Unused space between two vehicles. For example, मेरे पास एक process है और एक दो processes हैं और इनके दरमियान एक खाली space है जिसको हम कहते हैं external fragmentation. मेरे पास एक process पड़ा हुआ है उसके साथ एक और process है लेकिन इंटरनल उनके अंदर एक स्पेस ऐसी है जिसमें थर्ड प्रोसेस एलोकेट नहीं हो सकता, तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, खाली जगह को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एंटरिंग एंड लीविंग द मेमोरी कैन कैच द इंफॉर्मेशन ऑन यूज मेमोरी होल्स। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस क्यू के अंदर आ रहा है और वो लीव कर रहा है, तो वहां सबसे पहले क्या होता है, वो उसकी स्पेस एलोकेट हो जाती है, उसके बाद वो स्पेस क्या हो जाता है, डी एलोकेट हो जाती है। हम इसकी एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही भी हम एक एग्जांपल इसकी ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाने लगा हूँ। डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होती है और किस तरीके से सेगमेंटेशन होती है, मतलब एक्सटर्नल फ्रेगमेंट किस तरीके से बनती है, क्या चीज होती है जिसकी वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंट्स बनते हैं। यहाँ पे एक क्यू शेप डायग्राम बनाऊंगा और क्यू शेप डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसमें फ्रेगमेंट्स क्रिएट होते हैं और इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम क्रिएट करते हैं, डिवाइस के ऊपर क्लिक किया, क्रिएट जो डायग्राम, यहाँ पर ब्लैंक डायग्राम क्रिएट करते हैं हम। ब्लैंक डायग्राम क्रिएट कर ली, ब्लैंक डायग्राम क्रिएट करने के बाद इसको कैंसिल करें, आप कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्रिएट करें, इसको गेन कैंसिल करें, यहाँ पे ड्रा डॉट आईओ डायग्राम्स को लिंक अप करते हैं हम।
जैसे यहाँ पे ड्रॉ टू डायग्राम बनेगी तो मैं आपको फ्रेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन बताऊंगा किस तरीके से इसमें फ्रेगमेंट्स क्रिएट करते हैं, किस तरीके से इसमें सेगमेंट्स क्रिएट करते हैं। जिसके लोडिंग टाइम लेना है, लोडिंग टाइम के बाद जो है ये इनेबल हो जाएगा, इसमें हम डायग्राम्स को जनरेट कर सकते हैं, इसमें डायग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू डायग्राम, यहाँ पे क्रिएट न्यू डायग्राम। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम एक ड्रा करता हूँ, एक क्यू टाइप शेप, ठीक है। और इसके बाद मैं एक लाइन को इधर ड्रा करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ऐसे कंबाइन करता हूँ। जस्ट लाइक एक लाइन यहाँ पे ड्रा करें, ये क्यू टाइप शेप बन रही है और इसको कंट्रोल वी करें और इसको यहाँ पे ऐसे ड्रा कर दें। इसके बाद ये लाइन को पकड़े, इधर ड्रा करें, ठीक है, ये शेप बन रही है। इसके बाद इसको पकड़े, इधर ड्रा कर दें, इसको पकड़ें, यहाँ पे ड्रा करें, इसको पकड़ें, यहाँ पे ड्रा करें, इसको पकड़ें, इधर ड्रा करें, ठीक हो गया। इसको पकड़ें आप, इधर ड्रा करें, ये क्यू टाइप शेप बन रही है। इसको पकड़ें, यहाँ ड्रा करें, इसको पकड़ें, आप इधर ड्रा करें, सेम इन द सिनेरियो आप इस डायग्राम को पकड़ें, यहाँ पे ड्रा करें, ये इस डायग्राम को पकड़ के इधर ड्रा करें एंड सो इस डायग्राम को पकड़ के आप इस लोकेशन के ऊपर ड्रा करें। यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट को यहाँ पे आप रखें, इसका नाम है P1 प्रोसेस। सेम इसी को कॉपी किया, सेम इसी को कॉपी किया, यहाँ पे नाम है P2 प्रोसेस, ठीक हो गया। ये जो इसके अंदर स्पेस एलोकेट हो रही है, ये स्पेस देखिए, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट। ये फ्रेगमेंट बन रहा है, ठीक है। अगर ये प्रोसेस यहां से मूव करके इधर जाता है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। क्या बन रहा है, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। सेम इन द सिनेरियो, इधर भी एक फ्रेगमेंट बन रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर भी एक फ्रेगमेंट बन रहा है। तो ये क्या चीजें बन रही हैं, फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। कि जब भी कोई चीज एक जगह पे एलोकेट होती है और उसको डी एलोकेट किया जाता है तो वहाँ फ्रेगमेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, इस प्रोसेस ने जगह लिया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे सेगमेंट। ये इस प्रोग्राम का सेगमेंट है, इसको हम जस्ट क्या कहेंगे, ये सेगमेंट है, इसको हम सेगमेंट कहेंगे, ठीक है, तो हम सेगमेंट्स कहेंगे। जस्ट लाइक ये सेगमेंट है। सेम इन द सिनेरियो, ये भी सेगमेंट है, ठीक हो गया, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। ये बाकी फ्रेगमेंट है जहां पे पहले प्रोसेस था और वो प्रोसेस रिमूव हो गया, डीएलोकेट हो गया, उसको हम फ्रेगमेंट कहेंगे। इज इट क्लियर। अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। अपनी स्लाइड्स के ऊपर हम वापस आते हैं, ठीक है। उस स्लाइड्स पे वापस आने के बाद हम आगे इसको प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद 3 strategies that can be used to allocate memory to variable partitioning, they are the following: best fit, worst fit, first fit। ये 3 strategies हैं जिसके according क्या कर सकते हैं, हम allocate कर सकते हैं memory को, ठीक है, variable और partitioning, ठीक है।
हम मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, वेरिएबल और पार्टिशनिंग उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसमें से बेस्ट फिट है, वर्स्ट फिट है, फिट है और फर्स्ट फिट है। सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ट फिट। बेस्ट फिट चूज है पार्टिशनिंग दैट इज स्मॉलेस्ट एंड हूज साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। इट लीव्स स्मॉल साइज अनयूजेबल पार्टिशनिंग और होल्स। बेस्ट फिट और जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे पहले देखती है कि सबसे स्मॉल साइज किस प्रोसेस का, उस प्रोसेस को हम एलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, सी इज इक्वल टू 14 MB रजिस्टर 13 MB, तो यहाँ पे सबसे पहले उसने बेस्ट फिट ने क्या कर दिया, इस 40 MB को क्या कर दिया, रिलोकेट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो बेस्ट फिट के अंदर सबसे पहले जो स्मॉल साइज मेमोरी एलोकेशन होते हैं उसको एडजस्ट कर देते हैं, उसको रिलोकेट कर देते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी है कि 14 MB को होल को हमने सबसे पहले फिट किया। तो जो चूज अ पार्टीशन दैट इज स्मॉलेस्ट एंड हू साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, वो स्ट्रेटजी वो पॉलिसी जिसके बेस्ट फिट के अंदर जिसके अंदर जिसका साइज होता है स्मॉलेस्ट होता है और हू साइज इज ग्रेटर देन के, मतलब के से मुराद है कि हमारी साइज जो हमें रिलोकेट किया हुआ है उसके उससे ग्रेटर होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, जिस साइज की हमारे पास स्पेस है, जिस साइज की हमारे पास फ्री मेमोरी है। ठीक हो गया, तो इसको कहते हैं बेस्ट फिट। स्मॉलेस्ट साइज को पहले आप रिलोकेट करें। फर्स्ट फिट चूज द फर्स्ट पार्टिशनिंग टू साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, सबसे पहले वो सिलेक्ट करें, सबसे पहले वो चीज सिलेक्ट करें जिसका साइज ग्रेटर हो या इक्वल हो मेमोरी साइज के। ठीक है, फर्स्ट मेमोरी लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस साइज को सिलेक्ट करते हैं जिसका साइज या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो के के, उसको हम कहते हैं फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी। इज इट क्लियर? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर फॉर 13 MB है और एड्रेस और लेंथ हमारे पास कितनी है 16 MB। तो साइज क्या है, 16 MB ग्रेटर है, ठीक है, या इक्वल है या ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्रेटर है तो हमने सबसे पहले इसको 16 MB को एलोकेट कर लिया। इज इट क्लियर? ये है फर्स्ट फिट। उसके बाद है वर्स्ट फिट। Choose the largest partitioning and allocate it to process P. It can leave bigger unusable partitioning. सबसे पहले हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे पहले किस पार्टिशनिंग को सिलेक्ट करते हैं, लार्जेस्ट पार्टिशनिंग को। लार्जेस्ट पार्टिशनिंग को सिलेक्ट करने के बाद उसको रिलोकेट कर देते हैं और उसके बाद अनयूजेबल पार्टिशनिंग जो है उसको मतलब लीव कर देते हैं। बिगर अनयूजेबल पार्टिशनिंग है उसको हम यूज नहीं करते, उसको रिलोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो वर्स्ट फिट के अंदर सबसे पहले हम लार्जेस्ट पार्टीशन जो है उसको एडजस्ट करते हैं और उसको सेट करते हैं। कंपैक्शन, कंपैक्शन मीन टू मूव द प्रोसेस इन द मेमोरी इन सच अ वे दैट स्कैटर्ड पीसेस ऑफ अनयूज्ड फ्री मेमोरी कैन बी प्लेस्ड टुगेदर सो दैट एनी अदर प्रोसेस डिमांडिंग कंटिजियस मेमोरी फॉर इट एंड कैन यूज इट। कैप्शन के अंदर हम मूव करते हैं प्रोसेसेस को इस तरीके के साथ कि उसके अंदर जो फ्री स्पेसेस होती हैं वो जो है एलोकेट हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ताकि वो आने वाले नए प्रोसेसेस के लिए फ्री स्पेस के अंदर हम हमारे पास कंपैक्शन हो, हमारे पास जगह हो, हमारे पास फ्रेगमेंट हो जहाँ पे हम उसको उनको सेगमेंट्स दे दें। तो कंपैक्शन के अंदर हम अपनी फ्री स्पेस को ऐसे एलोकेट करते हैं कि वो कंटिजियस हो जाती है, साथ साथ हो जाती है। ठीक है, और उसके अंदर हम न्यू प्रोसेसेस को एलोकेट कर सकते हैं, उनको स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको मेमोरी कंपैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखें, हमारे पास सबसे पहले ये फ्री स्पेस है, हमारे पास उसके बाद ये फ्री स्पेस है। बिफोर कंपैक्शन, कंपैक्शन करने के बाद हमने फ्री स्पेसेस को क्या किया, एक साथ एलोकेट कर दिया। एलोकेट करने का मतलब है कि हमने कंपैक्शन कर दिया मेमोरी को, तो फ्री स्पेसेस है उनको एक तरफ कर दिया और जो हमारी फुल स्पेसेस है उनको एक तरफ कर दिया। इसको हम कहते हैं कंपैक्शन, इसको सॉर्टिंग भी कहते हैं। नॉन कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड टू इनहांस द डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इट वाज डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस द स्पेशलिटीज ऑफ एलोकेटिंग कंटिजियस मेमोरी टू एवरी पर्सन। नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर होता है जिसकी जितनी स्पेस है उसको कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन में जिसकी जितनी स्पेस है उसको हम उतनी एलोकेशन दे देते हैं। अब कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर, कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन के अगेंस्ट चलेंगे। ठीक है,
टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की जब एक्सटर्नल फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाता है एंड टू एनहांस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। एक्सटर्नल फ्रेगमेंट को रिजॉल्व करने के लिए हम नॉन प्रीडिक्टिव मैपिंग एल्गोरिथम को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इट वाज डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस द सबस्क्रिप्ट एलोकेटिंग कंटीजियस मेमोरी टू एवरी प्रोसेस। और इसमें हम मेमोरी एलोकेशन जो है वो कंटीजियस नहीं होती, हमारी मेमोरी एलोकेशन जो है वो नॉन कंटीजियस होती है। इट वाज डिसाइडेड टू हैव अ नॉन कंटीजियस फिजिकल एड्रेस स्पेस फॉर प्रोसेस सो दैट अ प्रोसेस कुड बी एलोकेटेड मेमोरी व्हेनेवर इट वाज अवेलेबल। हम नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट नहीं होती, क्योंकि इसमें हम हर डिग्री को हर प्रोसेस को उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी डिमांड के मुताबिक हम उसको स्पेस प्रोवाइड करते हैं और इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन बन रही होती है उसके चांसेस जो है वो कम से कम होते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं नॉन कंटीजियस स्टोरेज एलोकेशन। देयर आर टू टेक्निक्स फॉर नॉन कंटीजियस पेजिंग सेगमेंटेशन। सबसे पहले हम नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन को देखते हैं। ये देखिए जी वर्चुअल मेमोरी फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस इसका एक ही है, एक ही है, एक ही है और एक ही है। और इसको इसने क्या किया हुआ एक जगह लेके आया हुआ। देखें नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन है ये जैसे ये फ्रेगमेंटेशन बन गई, ये फ्रेगमेंटेशन बन रही है, ये क्रिएट नहीं होती कंटीजियस वर्चुअल मेमोरी मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन रिमूव हो गई है और ये में फ्रेगमेंटेशन रिमूव हो गई है और यहाँ पे देखेंगे नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन मतलब इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। अगर फ्रेगमेंट भी हो तो उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। और ये क्या है कंटीजियस वर्चुअल मेमोरी एलोकेशन। पेजिंग, पेजिंग इसकी एक टेक्निक है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की। दो टेक्निक्स में एक टेक्निक है पेजिंग। इन दिस अप्रोच फिजिकल फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड फ्रेम्स एंड द लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। इसमें हम जो फिजिकल मेमोरी है उसको डिवाइड कर देते हैं फिक्स साइज ब्लॉक्स में, इसको कहते हैं फ्रेम्स। और लॉजिकल मेमोरी को हम डिवाइड कर देते हैं फिक्स साइज ब्लॉक्स में और उसको कहते हैं पेजेस। फिजिकल मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी हम को हम फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। द साइज ऑफ अ पेज इज सेम एज दैट ऑफ फ्रेम। पेज का साइज और फ्रेम का साइज सेम होना चाहिए। द की ऑफ आइडिया दिस मेथड इज टू प्लेस द पेज ऑफ अ प्रोसेस इनटू वेरिएबल फ्रेम्स ऑफ द मेमोरी व्हाटएवर द प्रोसेस इज टू बी एग्जीक्यूटेड। द एड्रेस मैपिंग इज डन टू पेज टेबल। पेजिंग के अंदर हम फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक्स में कार्ड डिवाइड कर देते हैं, हम कहते हैं फ्रेम्स। एंड दैट लॉजिकल मेमोरी को हम डिवाइड कर देते हैं फिक्स साइज ब्लॉक्स में, उसको कहते हैं पेजेस। और इसके अंदर हम जो है प्रोसेस की एलोकेशन कर रहे होते हैं, प्रोसेस को एलोकेट कर रहे होते हैं और उसके साइज के अकॉर्डिंग प्रोसेस की एलोकेशन करते हैं, इसको हम कहते हैं पेजिंग। फॉर एग्जाम्पल पेज पेज एग्जाम्पल ये स्टडी हुई है यहाँ पे, ये एक पेज टेबल है ठीक है और यहाँ पे लॉजिकल मेमोरी है। तो लॉजिकल मेमोरी 1, 2, 3, 4 है तो उसको हमने किसने में डिवाइड किया 1, 2, 3 and 4 में डिवाइड कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको भी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पेज जो है उसको डिवाइड कर दिया फिजिकल मेमोरी को। तो जितना उसका मेमोरी का साइज होगा उसकी मेमोरी के साइज के अकॉर्डिंग ही हमें उसकी डिवीजन करनी है, उसकी एलोकेशन करनी है। इट वर्क एज ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस 13 = 01101 इन बाइनरी। यानी कि कन्वर्जन हो रही है बाइनरी से, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें कि उसके साइज के अकॉर्डिंग कितना फिजिकल एड्रेस होगा और उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कितना लॉजिकल एड्रेस होगा उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। प्रॉब्लम विद पेजिंग, पेजिंग में प्रॉब्लम्स क्या होती है, इट यूज़ द पेज टेबल पर प्रोसेस फॉर ट्रांसलेटिंग लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस स्पेस। अब बेसिक इशू एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ पेज टेबल इज दैट द लुक अप इन द पेज टेबल शुड बी वेरी फास्ट व्हिच इज टेंपरेरी स्लो एंड इज डन ऑन वेरी एवरी मेमोरी रेफरेंस। सो टू मेक द लुक अप टाइम लेस कैशिंग इज यूज्ड। इन दिस केस द स्पेशल कैशिंग डिवाइस इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर TLB ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। हम ट्रांसलेशन लुक साइड बफर जो है उसको यूज करवाते हैं कि जो पेजिंग हो जाए प्रॉपर वे में हमारे प्रोसेस को एलोकेट करें और प्रोसेस को एलोकेट करने के बाद उनकी कंपाइलेशन उनकी एग्जीक्यूशन करें। क्योंकि पेजिंग में प्रॉब्लम ये आ रही होती है कई प्रोसेस जो है वो लार्ज साइज के होते हैं, कई प्रोसेस स्मॉल साइज के होते हैं। तो स्मॉल साइज के प्रोसेस को जब आप उसके अंदर एलोकेट करते हैं फ्रेगमेंटेशन क्रिएट होती है, और अगर लार्ज साइज के प्रोसेस को उसके अंदर पेज साइज के पेजिंग के अंदर पेज साइज के अंदर एलोकेट करें तो उसमें जो है वो फिक्स नहीं होते। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम ट्रांसलेटेड लुक
असाइड बफर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं पेज साइज को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को. Translation Leukocyte Buffer. The TLB contains sets of entries such as which contain a page number. TLB में set of entries होती हैं जिसके अंदर हम page numbers add कर लेते हैं the corresponding frames number and the protection bits. और TLB के अंदर corresponding जो है वो page number होते हैं और corresponding frame number होते हैं जिसको हम fit कर लेते हैं bits के according और अपने pages के according उसको bits में save कर लेते हैं assign कर लेते हैं. So if we use TLB translational loop aside buffer, then mapping is done by TLB and we generally find the entry in TLB, but in case the entry is not found in TLB, then we have to have a TLB miss and finally we go to page table. अगर हम TLB के अंदर कोई ना भी memory allocate कर रहे हैं, कोई चीज allocate कर रहे हैं और maybe वो उनसे missing हो जाती है, अगर find out नहीं होती तो हमें दोबारा page table के ऊपर जाना पड़ेगा और वहां से find out करना पड़ेगा. Segmentation क्या होती है? Segmentation is another technique for the non-contiguous storage allocation. Segmentation ये एक other technique है non-contiguous memory allocation में. It is different from paging as it supports user's view of the program. ये paging से different है और इसके user support of the program से different है. For a programmer, it might be more relevant to divide the logical space of this program into variable size segment with respect to this view of main program. Subroutines, data, etc. Then divide into fixed size pages such as variable size segments, which are a collection of logical related information are the basis of segment technique. Segment technique which is non-contiguous memory allocation ke technique hai. Iske andar hum pages ko divide karte hain different segments ke andar. Aur segments ke andar kya hoti hai? Ji memory allocation only hoti hai according to size of the process. Segmentation example. ठीक है subroutines. Stack जिसके अंदर हम space trap segmentation paging कर सकते हैं. Symbol table main program और sqrt segment इसने define किया हुआ है और ये भी segment define किया हुआ है. इसपे limit ये define की हुई है ठीक है और base इसकी ये define की हुई है. Same इसके अंदर limit ये है और इसकी base ये है. Same in the scenario ये bases है और ये same in the scenario ये limits define की हुई है. ये सेगमेंट हमारा टेबल है. सेगमेंट टेबल में सबसे पहले हम सेगमेंट ओ की कितनी मेमोरी एलोकेशन है, क्या डिस्क्रिप्शन है, इसको हम इसको डिफाइन करेंगे. इसी तरह सेगमेंट में ये सेगमेंट 3 को इस तरीके से एलोकेट करेंगे, सेगमेंट 2 को इस तरीके से एलोकेट करेंगे, सेगमेंट 4 का इस तरीके से एलोकेट करेंगे सेगमेंट 1 को ये. और ये हमारी फिजिकल मेमोरी है. ठीक हो गया. अब इसके बाद वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट मे नॉट फिट एंटायरली इन सिस्टम मेमोरी. फिजिकल मेमोरी को हमने एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में डिवाइड किया था. वर्चुअल मेमोरी बेसिकली होती क्या है, ये पहले भी आपको बताया, वर्चुअल मेमोरी उस वक्त एग्जिस्ट करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती जब आपकी कुछ प्रोसेसेस जो है वो सस्पेंशन स्टेट में आ जाए, तो ये फिजिकल वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी जो है वो एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स को एलोकेट किया जा सकता है, जिसपे रजिस्टर फाइल्स को एलोकेट किया जा सकता है फॉर टेम्पोरेरी. ठीक है, ये वर्चुअल मेमोरी जो है टेम्पोरेरी क्रिएट होती है. अगर आपके प्रोग्राम की मेन मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी फिल हो जाए तो वर्चुअल मेमोरी उसकी मेमोरी को एक्सटेंड करती है और उसके अंदर स्पेस एलोकेशन करती है कि उसके अंदर स्पेस जनरेट और उसके अंदर प्रोग्राम को एलोकेट किया जाए, उसको कंपाइल किया जा सके. स्वैपिंग क्या होता है? पेज इन पेज आउट. पेज इन पेज आउट से मतलब है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर अदर प्रोसेस उसकी इंपेशन ले लेता तो वो अदर प्रोसेस को ऑलरेडी कंपाइल किए हुए प्रोसेस को क्या कर रहा है, स्वैप आउट कर रहा है. और स्वैपिंग मतलब उसकी प्रोसेस की जगह ले रहा है. तो स्वैपिंग का मतलब है कि पेज इन करना, पेज आउट करना, पेज इन करना, पेज आउट करना. स्वैपिंग टेक्निक ये है कि आप प्रोसेसेस की स्वैप कर रहे हैं, प्रोसेसेस को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, दूसरी लोकेशन से फर्स्ट लोकेशन में स्वैप इन स्वैप आउट कर रहे हैं, इसको हम स्वैपिंग कहते हैं. ठीक है, और स्वैपिंग के अंदर लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस जो होते हैं ठीक है वो स्वैप आउट हो जाते हैं, और जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं वो हमेशा स्वैप इन होते हैं, लोडेड होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं. लो प्रायोरिटी प्रोसेस हमेशा स्वैप आउट होने का मतलब ये होता है कि उनका एग्जीक्यूशन टाइम एक तो बहुत ज़्यादा होगा ठीक है, और जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस होते हैं उनका एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है. तो इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेडिंग के अकॉर्डिंग हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस को जिनका एग्जीक्यूशन टाइम कम हो उनको स्पेस एलोकेट कर देते हैं, और लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो बेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं, उनका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, वो टाइम आउट हो जाते हैं,
और लो प्रायोरिटी प्रोसेस उनकी जगह स्वैप इन हो जाते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, कंपाइल होते हैं, और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस स्वैप आउट हो जाते हैं लो प्रायोरिटी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगेंस्ट। यहाँ पे ये देखिए स्वैप आउट स्वैप इन हो रहा है, ठीक है, प्रोग्राम ए है, यहाँ से ये प्रोसेस स्वैप आउट हो रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी लो है, और यहाँ से ये प्रोसेस स्वैप इन हो रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी हाई है। ये देखिए ये प्रोसेस यहाँ पे स्वैप इन हो रहे हैं, ये प्रोसेस यहाँ पे स्वैप आउट हो रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी जो है वो हाई है। तो मेन मेमोरी में से स्वैप इन और स्वैप आउट वो प्रोसेस होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्वैपिंग होती है कि स्वैप इन करना, स्वैप आउट करना अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी बेसिस। इन वर्चुअल फैमिली डिमांड पेजिंग, डिमांड पेजिंग से मतलब है डिमांड के अकॉर्डिंग उसको स्वैप करना, स्वैप इन करना, स्वैप आउट करना, उसको मेमोरी एलोकेट करना। इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम डिमांड पेजिंग इज अ टाइप ऑफ स्वैपिंग इन व्हिच पेजेस ऑफ प्रोग्राम आर नॉट कॉपीड फ्रॉम दिस टू मेन मेमोरी अंटिल दे आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। इन डिमांड पेजिंग वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस इज एक्सेस्ड बाय सीपीयू, द कोरिस्पोंडिंग पेज नंबर इज लोकेटेड लो अप इन द पेज टेबल, एंड इफ इट इज शो दैट करेक्टली दिस पेज इज नॉट इन मेन मेमोरी देन दिस पेज मस्ट बी ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी। डिमांड पेज से मुराद है कि एक प्रोसेस जो है वर्चुअल मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, टेस्ट स्टेट में पड़ा हुआ है, वो उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जब उसको रेलिवेंट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मिलेगा। जब तक उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं मिलता, उसकी डिमांड पूरी नहीं होती, तो कभी भी एग्जीक्यूशन स्टेट में नहीं जाएगा, रेडी स्टेट में नहीं जाएगा, कंपाइलेशन मोड में नहीं जाएगा, एग्जिट नहीं होगा। तो जब भी आपका प्रोसेस रेस्ट स्टेट में पड़ा हुआ है, रेस्ट स्टेट में पड़ा हुआ है, तो कभी भी वो कंपाइल नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो रेस्ट स्टेट के अंदर ही मौजूद रहेगा। तो डिमांड पेजिंग का मतलब होता है कि आपको प्रोसेस एक एग्जीक्यूशन स्टेट में पड़ा हुआ है, ठीक है, रेस्ट स्टेट में पड़ा हुआ है वर्चुअल मेमोरी के अंदर, वर्चुअल मेमोरी के अंदर वो रेस्ट स्टेट में रहेगा जब तक उसको उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अकर नहीं होते। क्लियर, ठीक है। पेज फॉल्ट अकर, तो स्टूडेंट्स ये जो है पेजिंग, तो देखें डिमांड पेजिंग ये डिफाइन किया हुआ है, लॉजिकल एड्रेस ये डिफाइन किया हुआ है। जैसे ही प्रोसेस की एग्जीक्यूशन टाइम आता है, जैसे ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम आता है, जैसे ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम आता है, तो वो एग्जीक्यूट होता है, अपनी अपनी मेमोरी एलोकेट करता है और उसके अकॉर्डिंग वो कंपाइल होता है। डिमांड पेजिंग में वर्चुअल मेमोरी में से वो प्रोसेस एलोकेट होते हैं जिनको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अक्सर होते हैं और वो कंपाइल होते हैं। सेम इन द सिनेरियो फ्री फ्रेम्स, यहाँ पे देखिए पेज इन बैकिंग स्टोर, यहाँ से प्रोसेस जो है बैकिंग स्टोर हो रहे हैं, यहाँ से मिसिंग पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं फ्री फ्रेम्स, यहाँ से ये मिसिंग पेजेस को पेज टेबल से आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको लोड कर सकते हैं, यहाँ से अगेन इसको लोड कर सकते हैं, और इससे ऑपरेटिंग सिस्टम की रेफरेंसेस को आप कॉल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्योर डिमांड पेजिंग, प्योर डिमांड पेजिंग इज द फॉर्म ऑफ डिमांड पेजिंग इन विच नॉट इवन अ सिंगल पेज इज लोडेड इनटू मेमोरी इनिशियली। दिस इज द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज अ पेज फॉल्ट इज दिस केस। दिस काइंड ऑफ पेजिंग मे सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बाय जनरेटिंग डिक्रीज द एफिशिएंसी एक्सेस ऑफ टाइम ऑफ मेमोरी। इज इट क्लियर? तो प्योर डिमांड पेजिंग के अंदर सबसे पहले जो है एक सिंगल पेज जो है वो लोड होता है मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसका पेज पार्ट की कोडिंग जो है वो एग्जीक्यूट होती है। प्योर डिमांड पेजिंग के अंदर जो है वो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है डिक्रीज होती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सिंगल पेज जो है इसके अंदर लोड होता है, सिंगल पेज लोड होने के बाद एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है, और उसको जो है वो अकॉर्डिंग टू उसके टाइम आउट या टाइमिंग के जरिए जो है उसको वो रिजल्ट डिस्प्ले करता है। तो एक सिंगल पेज लोड होने की वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस होती है कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो टाइम कंप्रेशन के अकॉर्डिंग लो होती है, डिक्रीज करती है, ठीक हो गया। पेज प्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है, पेज प्लेसमेंट वन द मेन मेमोरी फिल अप अ पेज मस्ट बी स्वैप्ड आउट टू मेन रूम ऑफ टू अ पेज टू बी स्वैप्ड इन, दिस नोन एज पेज प्लेसमेंट। पेज प्लेसमेंट एल्गोरिथम ऐसे होता है कि अगर आपका मेन मेमोरी फिल अप हो गई, आपका टू फिल अप हो गया, तो पेजेस को वर्चुअल मेमोरी में या एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर आप जो है वो स्वैप आउट करते हैं और न्यू प्रोसेसेस को स्वैप इन करते हैं, ठीक है, या आपका सिस्टम डेडलॉक से बचा रहे हैं, आपका सिस्टम हैंगिंग स्टेज से बचा रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर से प्रोसेसेस को स्वैप आउट करना, स्वैप आउट पे स्वैप इन करना, इसको पेज रिप्लेसमेंट आप एल्गोरिथम करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपकी मेन मेमोरी फिल अप हो जाए और न्यू प्रोसेस इनकम हो रहे हो आ रहे हो, तो आप मेमोरी को फ्री करने के लिए, कंपैक्शन को मेमोरी को फ्री करने के लिए आप अपने प्रोसेसेस को
उसको स्वैप आउट कर देती है अदर एक्सटर्नल वर्चुअल मेमोरी के अंदर, ठीक है, और नई प्रोसेसेस को इन करते रहते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं। जब भी आपका मेन मेमोरी फिल हो जाए इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की फ्लक्चुएशन की वजह से आपके प्रोसेस स्टक हो जाए, जब भी प्रोसेस स्टक हो जाए इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, तो उसको आप वर्चुअल मेमोरी में एक्सटर्नल मेमोरी में सस्पेंड कर दें ताकि नए प्रोसेस आए एग्जीक्यूट और मेमोरी जो है वो फ्री स्पेस उसके अंदर एलोकेट करें, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट और रिटर्न मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।